वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक क्या होगा आपकी लव लाइफ में, लच्ची दिखते हैं क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। लच्ची देखते हैं, जिन लोगों को शॉर्ट रीडिंग्स देखनी है या चैनल की मतलब के शॉर्ट रीडिंग्स या शॉर्ट कंटेंट देखने में जो भी इंटरेस्टेड है वो मेरे दूसरे चैनल पे जा सकता है। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वहाँ पे आपको जोडिक बेस्ड साइन रीडिंग मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको डिटेल रीडिंग मिलती है, ठीक है। तो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट मत किया करें। जितना आप रेजोनेट करें उतना रखें। लेट्स सी, देखते हैं योर रिलेशनशिप लाइफ, ठीक है, क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ओके, ये कनेक्शन आपकी विश है, ठीक है। आप इस रिश्ते को एक विश फुलफिलमेंट काइंड, जो भी जिस भी कनेक्शन में है आप राइट नाउ, ये रिश्ता आपकी विश है। आप इसको विश फुलफिलमेंट काइंड की एनर्जी से देखते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को आप इस रिश्ते में अपने विशेष को कम ट्रू करना चाहते हैं। ओके, हर्ट्स, पेन, तकलीफ इस रिश्ते में बेहद, आपके पार्टनर यहाँ पर और आपके बीच ये कनेक्शन मतलब कि आप लोग का लव लाइफ, लव रिलेशनशिप, आप इस रिश्ते में पीस कायम करना चाहते हैं, पीस चाहते हैं। आप इस रिश्ते को बहुत ज्यादा एक होपफुल होकर देख रहे हैं। किसी तरीके का हर्ट, किसी तरीके की नेगेटिविटी है इस कनेक्शन में, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक हर्ट और नेगेटिविटी नजर आ रही है। यहाँ पे डिस्टर्ब एनर्जी, एक तरफ आपकी विश है ये कनेक्शन और एक तरफ बहुत ज्यादा हर्ट कर चुका है यहाँ पर। इस ये कनेक्शन आपको बेहद पेन दे चुका है जिस रिश्ते में आप हैं। या तो आपका ओल्ड जो है वो रिश्ता टूटा है, ट्रस्ट ब्रोकन है आपका, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। आपकी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, लेकिन आप जैसे कि एक होता है ना, कोई इंसान डर जाता है। आपने किसी कनेक्शन को लेकर बहुत कुछ फील किया, ठीक है, और किसी चीज़ में बहुत चीज बहुत सा स्ट्रेस, बहुत सा पेन देखा, बहुत सारा नेगेटिविटी देखी। आपने अपने पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपको थर्ड मतलब कि एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करी। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जी एक्स हो सकती है, कोई कोई न्यू हो सकती है, कोई फैमिली हो सकती है, कोई फाइनेंसिस, कोई एक सेल्फिश इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। खाली आजकल थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन ही नहीं बनता, बहुत कुछ बन जाता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाती हैं आप लोगों की, एक ईगो बैटल आ जाती है, ठीक है, आपके पर्सन की। तो फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी, आपने बहुत ज्यादा पेन देखा, आपने बहुत ज्यादा तकलीफ देखी रिलेशनशिप में, ठीक है। आपकी लव लाइफ, लव रिलेशनशिप का जो एक स्टेटस रहा है बहुत ज्यादा पेनफुल। आप इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा एक कनेक्टेड फील कर रहे थे, आपको बहुत ज्यादा कनेक्टेड, आपको ये रिश्ता चाहिए था अपनी लाइफ में। इस रिश्ते ने, आपके इस विश ने आपको काफी कंफ्लिक्ट, काफी नेगेटिविटी में डाला है, काफी लोगों की आपको बातें सुननी पड़ी हैं, ठीक है। आप ये कनेक्शन आपके लिए एक स्ट्रेस लेकर आया था, ठीक है, बहुत स्ट्रेस आप फेस कर चुके हैं इस रिश्ते में। आप इस रिश्ते को सोचते हैं तो आपको दिल करता है कि आप इस रिश्ते से कंप्लीटली निकल जाएं, इस रिश्ते को लेट गो कर दें। जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जितने लोगों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, खाली आप नहीं है, आपके पार्टनर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, आपके पर्सन की तरफ से होते हैं, आपकी तरफ से होते हैं, लेकिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इंटरफेयर इस रिश्ते में नजर आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर आपके विश है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, आपने वहाँ पे बहुत कुछ फेस कर लिया है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे हैं। बैलेंस करना चाहते हैं, हीलिंग चल रही है आपके हार्ट चक्र की, आप हीलिंग पे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आप बैलेंस कर रहे हैं, आपको एंजल टेक केयर कर रहे हैं, आपकी हीलिंग का टाइम है, एक पेशेंस का टाइम है, आप खुद को एक हीलिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। आप इस पेन को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपको अपनी लाइफ को देखना चाहिए, ना कि किसी और को, ठीक है। आपका ध्यान आपके सेल्फ पे ज्यादा है, आप चाहते हैं कि अपने आप को ध्यान दें, ठीक है, अपने सेल्फ को, अपनी हैप्पीनेस को ध्यान दें, जो आपकी हैप्पीनेस है आप उसमें रहें। काफी हद तक हील भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पेन आपको डराता है, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा आपको फेयर में डालता है, लव को लेकर आपको एक फेयरफुल सिचुएशन बनाता है, ठीक है। आप फेयर में हैं, किसी तरीके का आपने पास्ट में अपनी लाइफ में ड्रामा देखा है, किसी तरीके की टावर मोमेंट हिट करा आपके रिलेशनशिप को, जिसको लेकर आपने बहुत अकेला, मतलब कि अपने आप में आपने एक अकेला रहना स्टार्ट करा, ठीक है। हीलिंग एनर्जी है, आपने इस स्ट्रेस को, बैगेज को रिलीज करके आपने खुद को एक अकेला अकेला अपनी लाइफ में इंट्यूशन से कनेक्ट करके आपने अपनी जिंदगी में एक अकेलेपन को एक्सेप्ट करा, ठीक है। एक कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए, स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आपने अपने आप को साइलेंट किया और अकेला किया, ताकि आप उस प्रॉब्लम से, उस ऑब्स्टिकल से, उस कंफ्यूजन से निकल सकें कि आपको करना क्या है। ये चीज जानने के लिए आपको अपनी लव लाइफ में करना क्या चाहिए, तो आपको खुद को अलोन करना पड़ा, खुद को डिस्कनेक्ट करना पड़ा, और इस वक्त आप डिस्कनेक्ट भी हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, क्या गलत किया, मतलब कि क्या प्रॉब्लम्स रही, क्यों इतना स्ट्रेस रहा, क्यों इतने इश्यूज आपकी लाइफ में क्रिएट रहे, ठीक है। यहाँ पर हो क्या सकता है आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में, नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या हो सकता है।
भाई आप अगर यहाँ पर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैरिज हो सकती है, फैमिली की तरफ से एक प्रपोजल हो सकता है, कोई मिल जाए आपको, ठीक है, फैमिली आपको कुछ प्रपोजल दिखा दे, लेकिन आपकी लव लाइफ एक मैरिज की तरफ जा रही है, ठीक है। मुझे कोई इंसान आपकी तरफ अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, या तो वो अप्रोच कर चुका है, या तो वो अप्रोच कर रहा है, या तो उसने अप्रोच किया है, आपको कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, या तो किसी मतलब कि कोई इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है मैरिज को लेकर, ठीक है, कमिटमेंट को लेकर, लेकिन मुझे आप स्टक फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टक रहने वाले हैं, आप कोशिश करने वाले हैं कि आप मतलब के फ्री विल है, मतलब कि आप सोचें कि आपको करना क्या है, मूव ऑन करना है या स्टक रहना है, कुछ आप कॉन्टेम्परेट करने वाली एनर्जी है, या तो आपको वेट करना चाहिए, आप मतलब कि आप सोचो विचार में रहने वाले हैं। मुझे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब के ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है, स्टेबिलिटी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, आप डीप डाउन सोचने वाले हैं, अपनी अपने आप को हील करने वाले हैं, प्रेयर्स करना, दुआएं करना, या तो डिवाइन से कनेक्टेड रहना, ठीक है, अपनी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, नेक्स्ट एक्शन को लेकर काफी आपके अंदर डर है, फियर है, ठीक है, आप डरते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, आपको क्या फेस करने को मिलेगा, आपकी लाइफ किस तरफ जाएगी, ये जिंदगी किस तरफ एक्शन लेने वाली है, ठीक है, आप थोड़ा सा घबराए हुए हैं, ठीक है, आपने एक स्ट्रेस पेन देख लिया है, आपके लिए हीलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप वैसे ही खुद को अकेला कर चुके हैं, साइड हो चुके हैं, इंट्यूटिवली गाइडेड हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आपने स्ट्रेस बैगेज लेट गो करा है, ठीक है, आप इतना सारा मतलब कि आप स्ट्रेस नहीं लेके चल सकते, आप इतना सारा बैगेज नहीं उठा सकते, आप इतना ज्यादा प्रॉब्लम को आप इससे ज्यादा फेस नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, आपने इसको लेट गो करना है, ठीक है, आपने माइंड क्लियर कर लिया कि आपको लेट गो करना है, आपको स्ट्रेस और बैगेज अपने साथ नहीं लेकर चलना, ठीक है, वो वाली एनर्जी, टेम्परेंस वाली एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी है, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, हीलिंग के लिए, बैलेंस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, आपको एक मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी है जो डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते में दिखाई दे रही है, आपको हील करने के लिए आपकी लाइफ में, ठीक है, आप अपनी लाइफ में फ्यूचर फ्यूचर क्या होगा, जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन पसंद इंसान से, ठीक है, चाहे वो न्यू हो चाहे पुराना, लेकिन आपके दिल को पसंद हो, आपके दिल को पसंद हो, आपका एक कॉलिंग इन योर सोलमेट, एक सोलमेट को, ट्रू सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि पास्ट का ही वेट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, मैं ये कहना चाह रही हूँ जो आपके दिल को इंसान भाई, ठीक है, आप पास्ट वाली जो सिचुएशन सोचते हैं आप उसको मिस करते हैं आज भी, ठीक है, आप उसको चाहते हैं आज भी, आप उसके लिए प्रेयर करते हैं आज भी, आप अभी भी जैसे कि सोचते हैं कि वो चीज़ बन सकती है या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप डाउन आप एक कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में चले जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज, और आपको लगता है कि फ्यूचर हिडन है, ठीक है, आपको फ्यूचर हिडन नजर आता है अपनी लाइफ का ही टोटली, ठीक है, अब जिस एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं उस एनर्जी को देखते हैं, ये कनेक्शन आपके विश है, लेकिन यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आप दोनों के बीच लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, लोगों का ओपिनियन, लोगों की वजह से कंफ्यूजन, लोगों की वजह से आर्ग्यूमेंट, आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा लोगों की वजह से आर्ग्यूमेंट रही है, अब लोग कोई भी हो सकते हैं, फैमिली, कास्ट, कल्चर, कोई थर्ड पार्टी, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, अब लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, लेट्स सी क्या होने वाला है मेरे व्यूअर के पर्सन इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते को कैसा देखते हैं, लव लाइफ में क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर के पार्टनर इस रिश्ते को कैसा देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर और इस पर्सन के बीच, ये पर्सन आपके साथ क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, इसकी मैनिफेस्टेशन आपको लेकर किस तरीके की है, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या सोच रहा है ये पर्सन, मेडिटेट करें अपने पार्टनर को, क्या होने वाला है लव लाइफ में आपका इस पर्सन के साथ, एस ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर को आपकी आईज बहुत पसंद है, ठीक है, आपके पर्सन एक पैशनेटिव पर्सन है, लियो हो सकते हैं, ठीक है, सैगिटेरियस हो सकते हैं, लेकिन एक स्पार्क है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, मतलब कि आपके पार्टनर की एनर्जी काफी काफी एनर्जेटिक पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन एक एनर्जेटिक पर्सन है, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, या तो बहुत ज्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है, लोग आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं इस इंसान की, ठीक है, लेकिन ये पर्सन जैसे कि एक अपनी लाइफ में जो है ना किसी एक किसी स्पार्क को खोज रहा है, किसी स्पार्क को तलाश कर रहा है, ये पर्सन मेरी व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है इस वक्त, ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, कंफ्लिक्टेड, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, क्लैरिटी ना होना, ठीक है, यहाँ पर आपको पर्सन ये लेकर क्या सोच रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको लेकर ये पर्सन जैसे कि नाइट, ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट किया है, ठीक है, इन एंड आउट वाली एनर्जी है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, या आप लोग की रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है, ये पर्सन जानबूझ के नहीं करता, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होती है
और कनेक्ट करता है, बातें शाते होती हैं, बट डिस्टेंस हो जाता है। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है। अदर अदर ओपिनियन, लोगों का इन्वॉल्व होना या लोगों का मिसगाइड कर देना इस रिश्ते को लेकर। कोई कुछ 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 लोग होते हैं मिसगाइड भी करते हैं, क्योंकि जो जो रिश्ता जिस रिश्ते से जालिस होते हैं उस रिश्ते के लिए, खराब करने के लिए मिसगाइड भी करते हैं लोग, ठीक है। फुल ये मतलब कि पर्सन, जैसे कि मेंटली इस पर्सन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट चल रही है, मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस, लोगों की बातों की वजह से, लोगों की ओपिनियन, किसी ने नेगेटिव, किसी ने पॉजिटिव। खासतौर पे लोग रिश्ता खराब करवाने के लिए एक नेगेटिव ओपिनियन देते हैं, नेगेटिव एडवाइस देते हैं। ये पर्सन जैसे कि फूल, न्यू बिगनिंग, न्यू बहुत ज्यादा आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, मतलब कि पैटर्न को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला ये जानता है पास्ट में क्या कर चुका है, जानता है पास्ट में लोगों की बातों में आके कितना डिस्टर्ब कर चुका है रिश्ते को, लेकिन ये एक माइंड में कॉन्टेम्पलेट करना चाह रहा है। अगर रिस्क टेकिंग करे तो एक बैलेंस करके करे आपकी तरफ, ठीक है। क्योंकि इसको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन अट्रैक्ट करती है, एक मतलब के बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव एनर्जी। आप बहुत जैसे कि लाइक अ चाइल्ड, आप बहुत फ्री पर्सन है, ठीक है। आप बहुत मतलब कि फ्री एनर्जी में रहते हैं, एक फ्री बर्ड की तरह है, आपके अंदर एक फ्री वाली एनर्जी। कोई ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव हैं, अगर ये पर्सन आपको छोड़ देगा तो आप एक रिवेंज लेंगे या नेगेटिविटी, नहीं। ये आपको एक बहुत लाइट एनर्जी में देखता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन में। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन मतलब किस पर्सन की रहती है, एक्शन कम लेता है, मैनिफेस्ट ज्यादा करता है। अगर आप इसकी लाइफ के लिए बेटर हैं, अगर इसका और आपका फ्यूचर अच्छा है, तो आप इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएं। इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन कुछ इस तरीके की होती है, अगर आपके साथ फ्यूचर अच्छा है तो आप इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएं, ठीक है। कम्युनिकेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन मैनिफेस्टेशन की वजह से ज्यादा होती है। जैसे कि एक मैनिफेस्ट करना सिचुएशन को, या तो एक आप यहाँ पर ज्यादा अप्रोच करते हैं, मतलब कि आपकी तरफ से एक अप्रोच यहाँ पर ज्यादा रहती है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन हो सकती है, यहाँ पर बातचीत हो सकती है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पर आपके साथ कॉन्टैक्ट में आना, ठीक है। क्या हो सकता है, हीलिंग चल रही है, एक हीलिंग, जैसे कि रिस्क टेकिंग। नो कॉन्टैक्ट है तो दोबारा कॉन्टैक्ट हो सकता है, दोबारा आप लोग मतलब के इस कनेक्शन को हील कर सकते हैं, एक हीलिंग के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसे कि बहुत ज्यादा मतलब कि कंफ्यूज रहना, या तो बहुत ज्यादा चॉइसेस होना, या बहुत ज्यादा डोर्स है, या तो बहुत ज्यादा सोचना किस जगह से जाना है, किस जगह से अप्रोच करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मतलब कि क्या किस तरीके से अप्रोच करे, क्या कहे आपको, क्या आपको अप्रोच करना ठीक है या नहीं ठीक है, आपके साथ लाइफ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में इस तरीके के सवाल है, पास में बहुत कुछ हो चुका है, आप जज तो नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके का माइंड सेट है आपके पार्टनर का, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जैसे कि आपको बहुत ज्यादा फ्री देख रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा बैलेंस देख रहे हैं इस पर, ये पर्सन आपको राइट नाउ, ठीक है। ये पर्सन हील हो रहा है, इस पर्सन का हार्ट चक्र आपके लिए, लेकिन ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है। ये पर्सन अभी इसीलिए कोई बोल्ड स्टेप नहीं ले रहा, ये आपके लिए एक्शन मूवमेंट या एक्शन एनर्जी में नहीं दिख रहा। ये अपनी मतलब क्या होता है ना, अंदर ही अंदर कॉन्टेम्पलेट करना कि क्या करना है, वो डिसाइड करो पहले, ठीक है। क्या होने वाला है, अब होगा क्या इस फ्यूचर में आगे। आपके पार्टनर मुझे एक पॉजिटिव साइड पे लग रहे हैं, आपको लेकर काफी नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव। ये पर्सन इस रिश्ते को पाना चाहता है, ठीक है। ये आप लोग डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट कल्चर के हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन इस आपके लिए लव फील कर रहा है। आप दोनों एक हो सकते हैं, फ्यूचर में आप दोनों के बीच कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है, स्टेबल स्टेबल मैनिफेस्ट होता है। ये रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी आ सकती है फ्यूचर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, लव को लेकर। अगर कोई क्लैरिटी नहीं है इस लव कैरियर लव को लेकर, तो क्लैरिटी मिल सकती है, क्योंकि आपके पर्सन और ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते। अब आपके पार्टनर एक्शन मूवमेंट पे आना चाहते हैं, आपके पर्सन कुछ चेंज करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को पता है कि स्ट्रेस बना रहेगा जब तक यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो रहा। कुछ कुछ नेगेटिविटी है जो आप दोनों को एक स्ट्रेस में डाल के रखी हुई, नर्वस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। मतलब कि अगर आपके पार्टनर सोचते हैं अगर कुछ डिसाइड कर लिया तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, उस पर काम किया जाए। बहुत सी चीजें होल्ड बैक हुई हुई है इस कनेक्शन में आपके पर्सन ने। आपके पर्सन अगर डिस्टर्ब भी होते हैं तो आपको शो नहीं करते, ठीक है। ये पर्सन अगर कंफ्यूज है तो अभी मतलब कई पर्सन बहुत क्लियर होने वाला है आने वाले टाइम में। ये पर्सन चाहेगा कि अब मतलब के इस रिश्ते में अगर इस पर्सन को एक्शन लेना है तो वो जल्द लिया जाए, इसको पॉजिटिविटी की तरफ जल्द लेकर जाया जाए, इधर एक पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट की जाए, इधर एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाया जाए। आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव साइड की तरफ इस रिश्ते के बारे में सोचने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। बहुत पॉजिटिव आउटलुक है आपके पार्टनर का इस रिश्ते को देखने के लिए। क्लैरिटी, क्लियर कट क्लैरिटी होने वाली है यहाँ पर। आपकी पर्सन आइसोलेशन में है और इस चीज को सोच रहे हैं, ठीक है। विश फुलफिलमेंट आने वाले टाइम में, ये पर्सन एक विश फुलफिलमेंट की तरह इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके रिश्ते में अगर आपके पार्टनर
हील हो चुके हैं, आप लोग के बीच हीलिंग इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में, यहाँ पे हीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर ड्रीम देख रहे हैं इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करने का, ठीक है। होपलेस हो रहे हैं, मतलब कि आपके पर्सन की लाइफ एक डिस्टर्ब एनर्जी, ये पर्सन विश कर रहा है, ये पर्सन एक फैमिली चाहता था, मैरिज चाहता था, कमिटमेंट चाहता था स्टार्टिंग से ही, पास्ट में जो कुछ हुआ हो, लेकिन आप लोग के बीच एक हीलिंग आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आप लोग के बीच एक बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, आपके पर्सन आपके लिए लव फील कर रहे हैं, आपके पर्सन का बात करने का दिल कर रहा है, आपके सामने अपने इमोशंस को ओपन अप करने का दिल कर रहा है, ठीक है। जो भी चीजें थी पास्ट, वो अपने कंफ्लिक्टेड नेगेटिविटी, पास्ट की या पास्ट वूंड्स, वो सब पीछे छोड़कर आना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज हैं, कुछ ज्यादा नेगेटिविटी है आपके पर्सन को लगता है, बहुत टाइम से बहुत इस रिश्ते को एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए एफर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये पर्सन एक जैसे कि आइसोलेशन में बहुत ज्यादा सोचता है इस रिश्ते को लेकर, कोई होप तलाश करता है, जो प्रॉब्लम्स है उसको उससे कैसा निकला जाए, उसको कैसे निमटा जाए, उससे कैसे बाहर आया जाए। आपके पार्टनर यहाँ पर जो है ना गिल्ट में है, ठीक है। आपके पार्टनर को गिल्ट है, आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, तो यहाँ पर एक नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है, पर्सन जब भी रात को सोता है तो उसको लगता है ये फीमेल है या मेल है, इसने गलत किया है आपके साथ, आप ये डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। इसने बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज या नर्वस रहे आप इस रिश्ते में, या होल्ड बैक करके रखता रहा आपसे, खुलकर इसने प्रॉब्लम को शेयर नहीं करा या बताया नहीं यहाँ पर इश्यूज क्या है, ठीक है। आप हमेशा कंफ्यूज रहे, आप हमेशा डिस्टर्ब रहे, लेकिन जो कंफ्यूजन वाली साइकिल थी ना वो खत्म हो रही है। एक क्लोज आपके पर्सन का हार्ट चक्र जो क्लोज हुआ हुआ था आपसे, ठीक है, वो एनर्जी खत्म हो रही है। ये इंसान बुरा नहीं है, इसकी लाइफ में कुछ पास्ट वूंड्स ऐसे हैं या पास्ट कुछ चीजें ऐसी हो चुकी हैं, इसको ट्रस्ट मुश्किल से होता है, जैसे कि आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया इस पर्सन के ऊपर, इतना ट्रस्ट करने के बाद आपने मतलब पेन देखा है इस रिश्ते में। आपके पर्सन के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन आपने उस पेन को फील करके कुछ चेंज करा है अपने सेल्फ में। आपके पार्टनर ने ट्रस्ट करना बंद कर दिया था, ओपन अप होना बंद कर दिया था, लोगों के सामने कन्फेस करना बंद कर दिया था, मतलब कि जैसे दुनिया है उसको वैसे ही ट्रीट करते थे आपके पार्टनर, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, मेरे व्यूवर को इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, नेक्स्ट आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। बर्डन, प्लीज बर्डन रिलीज करें, किसी तरीके का स्ट्रेस है, बर्डन है, उसको रिलीज करें। सेल्फ लव आपको कहा जा रहा है, रिलीज करें जो कुछ भी हो गया है, ठीक है, उसको खत्म करें, एक सेल्फ लव की एनर्जी में आए। असेंशन, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक न्यू सनराइज को एक्सपीरियंस करें आप, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस चीज को रिलीज कर दें, इसका बर्डन है आपके ऊपर, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। बहुत ज्यादा एक हैवी स्ट्रेस से निकलें, कुछ न्यू क्रिएट करें, आपकी लाइफ में कुछ चीजें हो रही हैं, हीलिंग योर एनर्जी, ठीक है। हील करें अपनी एनर्जी को, आपकी एनर्जी अनहील है, हीलिंग स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है आपकी एनर्जी हील करने में। अगर आप कह रहे हैं कि आप हील कर रहे हैं ये पुरानी एनर्जी है, तो नहीं, आपको स्ट्रगल फील हो रही है। आप अगर अभी तक उस पर्सन के जानना चाहते हैं, उसके माइंड में क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी आपकी हीलिंग नहीं हुई है। जब आप मुकम्मल तौर पर उससे फ्री हो जाएंगे, या आप उसको बस इस तरीके से देखेंगे वो क्या सोच रहा है, वो आपके लिए क्या फील कर रहा है, वो आपके लिए क्या जानना चाह रहा है, वो आपके लिए क्या, ये नहीं, ये आपको हीलिंग हीलिंग कम्प्लीटली आपको ये नहीं दिखाएगी। आप जानना नहीं चाहेंगे फ्यूचर क्या होगा, ये फ्यूचर क्यूरियोसिटी जब लगी रहती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेस की निशानी है कि क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट को ये पर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।